हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। आपका जब भी व्रत आए, जो भी आपने व्रत रखा है, आप उस व्रत में क्या करें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और आज पूरा दिन आपको भगवान को ही समर्पित करना है। ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपको अपने चैनल भक्ति तेरी आंचल में। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों को नष्ट करने वाली। वर्ष 2023 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी छुटकारा मिलता है और व्यक्ति सदैव सफलता की ओर बढ़ता रहता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों को ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी की व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि कब से कब तक है। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और एकादशी के अगले दिन व्रत खोलने का शुभ समय क्या होगा। क्योंकि जब हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तब हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्या खाकर एकादशी का व्रत खोलें जिससे हमें अनंत सौभाग्य की प्राप्ति हो और हमारा घर सदा ही धन संपत्ति से भरा रहे। एकादशी तिथि 17 मार्च 2023 की दोपहर 2:06 से प्रारंभ होकर अगले दिन 18 मार्च को सुबह 11:13 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है 18 मार्च 2023 शनिवार को करना ही शास्त्रोक्त है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 6:27 से लेकर सुबह 8:07 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर चरण स्पर्श करें और फिर एकादशी के दिन जो भी भगवान को भोग लगाया हो उसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन गाय की पूजन अवश्य करें। अगर हम एकादशी का पारण सही ढंग से नहीं करते हैं तो हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी विशेष ध्यान रखनी होती है, जैसे भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और यदि उनके पूजन और भोग में तुलसी ना हो तो भोग और पूजा को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर भी कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण अगर आप आंवले खाकर करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन अगर आप द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन अगर आप चावल खाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है और हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी का मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण।